गुड आफ्टरनून, नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सीआईईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन इन प्रोग्राम में। मैं कृति वडेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 10 पर। जी, ये जो सेशन है ये स्टैंडर्ड 10th में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए रहेगा। साइंस सब्जेक्ट है जिसको अगले 30 मिनट हम आपके लिए लेकर आए हैं और आपके टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस पर आज हम ये डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ एक बहुत खास एक्सपर्ट है जो ज्वाइन कर रही हैं आज के इस प्रोग्राम को। मैं आप सभी से इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी, मिसेज लीना अग्रवाल जी का। आप टीजीटी साइंस हैं, सेंट एनसेल्म्स पिंक सिटी स्कूल जयपुर से आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लीना जी आज के इस प्रोग्राम पे। थैंक यू। और आज की इस बातचीत को हम शुरू करें व्यूअर्स आप सभी के लिए, उससे पहले आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो हमारा टोल फ्री नंबर डायल करके हमसे जरूर साझा करें। नंबर रहेगा 8800440559। और अगर आप इस प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आप जा सकते हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी ऑफिशियल, और वहां भी लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सभी सवाल सजेशन हमको भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करें कि आपके भेजे गए सभी सवाल लें, अपने एक्सपर्ट के साथ उनको आज इस डिस्कशन में शामिल करें। एक और जरिया है जिसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने सभी सवालों को हमें मेल करें dth.class10@ciet.nic.in. So let's begin with today's science session on reflection of light. I welcome you again, Mrs. Agarwal. So what all are we going to discuss today? आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आपने बताया है, ये चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब जैसे होता है कि भाई प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, वही हम डिस्कस करेंगे पर डिफरेंट मिरर्स के लिए। बच्चों, आप सबने पहले पढ़ा हुआ होगा प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर हम डेली में देखते हैं, वो भी हमें अपनी इमेज जो उसमें प्लेन मिरर में दिखती है वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखती है। हमें हर चीज रिफ्लेक्शन से ही दिखती है। आज हम थोड़ा सा उसके आगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, स्फेरिकल मीन्स स्फेयर, स्फेयर का पार्ट जो होता है वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। अगर हम किसी स्फेयर को जैसे गोले को लें और उसको साइड से काट दें तो उसका जो साइड में पार्ट होता है वो स्फेरिकल मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। पर हम ऐसे गोला नहीं लेंगे कि हम कोई भी गोला काट रहे हैं। इसमें हम, मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आप थ्री डायमेंशन में या उसको इमेजिन कर सकें कि वो इसका पार्ट है। मैं भी लकीली आई हैव टू मिरर्स जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, दोनों तरह के मिरर्स मेरे पास है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसको यहाँ पे, ये हैं दो मिरर्स। मिरर्स जैसे कि आपको पता है कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और एक पॉलिश सरफेस होती है। अगर हमने इसको स्फेयर से काटा है तो इसमें एक उभरी हुई सतह होती है और एक अंदर की तरफ मुड़ी हुई सतह होती है। अगर उभरी हुई सतह हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो मिरर कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर, और अंदर की सतह पॉलिश सरफेस होती है। अगर अंदर की सतह, अंदर की तरफ सतह जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो कहलाता है कॉनकेव मिरर। तो इस तरह से ये दो मिरर्स हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, जो दोनों मिरर्स के बारे में हम आज बात करेंगे कि इससे हमें कैसा रिफ्लेक्शन मिल रहा है, कि रिफ्लेक्ट होके हमें इमेज कैसी मिल रही है, किस तरह की इमेज मिल रही है। प्लेन मिरर में जैसा कि हमें पता है हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज जो कि हम देख सकते हैं सेम साइज की, सेम डिस्टेंस पे, पर इसमें किस तरह की, किस साइज की, कहाँ पे मिरर इमेज बन रही है, क्या हम उसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या इमेज कैसे बनती है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर बाय स्फेरिकल मिरर्स, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब आप जैसे स्लाइड आप फर्स्ट मेरा ये देख सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें लॉज आपने पहले पढ़े हुए हैं। ये लॉज मैंने इसलिए किया है क्योंकि जैसे आपको पता हो कि ये लॉज जो है ये स्फेरिकल मिरर्स में भी काम करते हैं। हम इन लॉज की भी मदद लेंगे, इन लॉज की मदद से हम ये भी समझेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट, दो तरह के मिरर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लैक लाइन है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा रहा है, तो अंदर की तरफ सतह को जब हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं तो वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। अगर उभरी हुई सतह को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। अब कुछ टर्म्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, कुछ पार्ट्स हैं या टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर्स को समझने में हमें सहायता करते हैं। उसमें सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि नाम से देख रहे हैं आप सेंटर, सेंटर का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमने सी से डिपेक्ट किया है, ये सेंटर है उस स्फेयर का जिसका वो मिरर पार्ट है।
पोल, नेक्स्ट टर्म है पोल. पोल जो है, जैसे मैंने अभी आपको मिरर दिखाया था, उसका बिल्कुल बीच का पार्ट, जैसे ये मिरर है, इसका बिल्कुल बीच का पार्ट जो है वो पोल कहलाता है. प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, वो हमें खाली रे डायग्राम्स वगैरह बनाने के काम आती है, हमें दिखती नहीं है. ऐसे आप मिरर देखेंगे तो हमें नहीं दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं दिख रहा है, पर ये एक लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास होते हुए जाती है. अपर्चर, नेक्स्ट टर्म है अपर्चर. अपर्चर मतलब डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ द मिरर. फोकस, नेक्स्ट फोकस, दिस इज अ पॉइंट विच इज द मिड पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है. अब आप देख सकते हैं इसमें जो टर्म्स हैं यहाँ पे मैंने आप दिखा रखे हैं, आप देख सकते हैं ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और पी पोल, पोल मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनसे होती हुई जो लाइन ब्लैक लाइन जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और एफ मिड पॉइंट है सी और पी के बीच का, बीच का बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये सी और पी का मिड पॉइंट है, इसको हम फोकस कहते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रेज आ रही हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं, इसलिए ये कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है. हम कहीं कहीं ये लिखा रहता है कि कन्वर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि कन्वर्जिंग मिरर का मतलब है कॉनकेव मिरर, और डाइवर्जिंग मिरर जैसे कि आप इस स्लाइड से देख सकते हैं, इसमें पोल यहाँ पे है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे स्फेरिकल मिरर्स हैं वो स्फेयर का पार्ट है, अगर हम इसको पूरा बनाते हैं इस तरह से तो सेंटर कहाँ होगा, सेंटर होगा इसके पीछे, और हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बस्ड आउट सरफेस है. ऑल्सो आप ये भी देखिए कि जैसे जो रेज आ रही हैं इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं, ये इंसिडेंट होने के बाद डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज मीन्स दूर जा रही हैं, इसका मतलब ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है. तो इस तरह से ये दो मिरर्स हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का शेप अलग अलग है, और बट पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंट पोजिशंस पे हैं. अब हम देखेंगे कि इनसे हम कैसे इमेज पाथ बना सकते हैं. उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई रे इसके ऊपर सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, बाउंस बैक करने के बाद किस डायरेक्शन में जाएगी. उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स रूल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही आधारित हैं, पर कोई जो चार रूल हैं उनमें से वो हम समझ सकते हैं, और उनके हिसाब से या उनके बेसिस पे हम इमेज फॉर्मेशन भी कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट वन, पहला क्या है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस जैसा कि आप देख सकते हैं, तो कॉनकेव मिरर में, मैं यहाँ पे आपको दोनों तरह के मिरर्स के बारे में बताऊंगी कि अगर कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कॉन्वेक्स से होती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, और इमेज फॉर्मेशन दोनों मिरर्स में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होते हैं. उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट रूल है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो अब वो कहाँ से जाएगी. इसका एक रूल है, अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे उसको समझ सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे बनाया है सी से ये पॉइंट, ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो इस डायरेक्शन में जाएगा कि वो फोकस से पास होगा. इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में, अब कॉन्वेक्स मिरर में क्योंकि आपको पता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे फोकस है, तो रे जो है उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती, उसके पीछे नहीं जा सकती है, उसको वहीं से बाउंस बैक करना पड़ेगा. पर किस दिशा में वो बाउंस बैक करेगी, वो करेगी फोकस की दिशा में. तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये दूर जा रही है, इससे दूर जा रही है, पर हमें ऐसा प्रतीत होगा जब हम देखेंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वो फोकस से आ रही है. अब इसका ऑपोजिट, ये हमारा रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे जाती है, इसका ऑपोजिट या वाइस वर्सा कह लीजिए, अगर रे, अभी हमने देखा कि रे जो इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जा रही है, अगर इंसिडेंट रे ही फोकस से जाएगी तो वो कहां से जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद. आपने बिल्कुल ठीक समझा, इसका ऑपोजिट होगा, अगर रे जा रही है फोकस से, आप जैसे यहां भी देख सकते हैं, तो उसके बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. यहाँ पे भी क्या है, जो रे फोकस की तरफ जा रही है, आप अगेन द सेम प्रॉब्लम कि जो रे है उसको पेनिट्रेट करके फोकस से पास नहीं होगी, बट जिसकी डायरेक्शन फोकस की तरफ होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो वो कन्वर्ज कन्वर्ज नहीं हो रही है. यहाँ पे आप ये मत समझिए कन्वर्ज हो रही है, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर आके पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के. थर्ड केस, अब अगर रे जो है
इन दोनों के अलावा कहीं और से जाती है, जैसे हमने थर्ड रूल लिया है इसमें, अगर इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तब क्या होगा, तब उस केस में जैसे कि आपने इस फिगर में देख रहे हैं कि रे जो है वो वापस उसी रास्ते पर वापस जा रही है, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, या इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो रिट्रेस कर रही है। क्यों करती है ये, इसका भी एक रीजन है, हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर या नॉर्मली इंसिडेंट करती है। इसका नॉर्मली इंसिडेंट करने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री का मतलब है वो नॉर्मली ही वापस लौट जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी, ये हमारी उसी पाथ को रिट्रेस करती है, ये प्रॉपर्टी भी हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आती है। सारी जितने भी पाथ हैं रिफ्लेक्टेड रे के, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। अब फोर्थ केस है, अगर हमारी रे इन तीनों के अलावा अगर ऐसे ही इंसिडेंट करती है यहाँ पे पोल पे, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया है, अगर इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट कर रही है तो, क्योंकि ऐसे जैसे मैंने बोला था आपको पहले भी कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो इसके ऊपर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगी। यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो कि इसके ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट है, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो इंसिडेंट रे जितना भी एंगल नॉर्मल से बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी। ओके, यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी इंसिडेंट रे अगर एंगल आई बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल आई ही बनाएगी, आई और आर दोनों इक्वल रहेंगे अकॉर्डिंग टू, ये जो है फॉलो करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। अब हम इसके बाद हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन मतलब हम पता करेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी जगह पे रखते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, वो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, या किस पोजीशन पे बनेगी, बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, इन सब चीजों को देखने के लिए हम रे डायग्राम्स बनाते हैं। रे डायग्राम्स का सबसे पहला रूल ये है, आप जैसे देखेंगे यहाँ पे एक फर्स्ट रे डायग्राम है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इसको समझाने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगी कि जब रेज जो है अगर इन्फिनिटी से आ रही है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सन मून स्टार्स की बातें कर रहे हैं या हेवनली बॉडीज की बातें कर रहे हैं, वो हम उसकी इमेज नहीं देख रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर पे हो, कंपेयर टू दैट मिरर, आपने देखा अभी मिरर छोटा सा है, इससे भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर कंपेयर टू साइज ऑफ द मिरर अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत बहुत दूर है, जैसे अगर हम मिरर में दूर का ट्री हाउसेस कोई भी पेड़ देखते हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वो भी हमारा कंसिडर्ड होगा एज इन्फिनिटी। तो साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जैसे ही अगर और रेज जो है बहुत दूर से आ रही हैं, तो रेज वहां तक आते आते एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, किसी पॉइंट से चल रही हैं। हम हमेशा यहाँ पे दो रेज लेंगे, आगे भी जो रे डायग्राम्स हैं उसमें आप देखिएगा कि हम दो रेज लेंगे, दोनों रेज टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से आएंगे। अब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो वहां से जो दो रेज है वो निकल तो एक ही पॉइंट से रही है, पर आते आते वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। हमने फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी यहाँ पे दिखाया है ये दोनों रेज जो है टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से आ रही है, और टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से आते आते यहाँ पैरेलल हो गई है, और फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी यहाँ हमने दिखाया है कि दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि हमें इसका पता है कि इसका पाथ कहाँ पे होगा, ये फोकस से पास हो रही है। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलेंगी, जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, ध्यान दीजिएगा ये, तो वो पॉइंट्स जो है वो इमेज का टिप होगा, क्योंकि ये दोनों रेज हमने ऑब्जेक्ट के टिप से ली हैं, तो ये दोनों रेज जहां मिलेंगी वहां पे हमें इमेज का टिप मिलेगा। ये दोनों रेज फोकस से पास हो रही है, इसका मतलब दोनों रेज फोकस में मिल रही है, एक्चुअली मीट हो रही है, इसका मतलब है हमारी रियल इमेज मिलेगी हमें। रियल इमेज will be inverted, वो हमेशा inverted होती है with respect to object, तो real inverted very highly diminished image we will get कहाँ पे मिलेगी हमें, focus पे। okay,
तो ये तो हो गया फर्स्ट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बहुत दूर है। अब हमने ऑब्जेक्ट को हम उसको मिरर के पास ले आए हैं, यहाँ पे मिरर के पास मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे है वो, जो हमें मिरर से थोड़ी दूरी पे है, पर फिर भी उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ से हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं और सीधा ले रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा उसका जो फुट है, बी जो है उसके फुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए जो है उसके टिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमेशा हम उसका फुट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंगे और हमेशा टिप पे से हम दो रेज लेंगे। वो दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां एक्चुअली मीट हो रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वो पॉइंट हम देखेंगे, वो पॉइंट जो है वो इमेज का टिप होगा। उस पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और हमें इमेज का साइज, नेचर, पोजीशन सब पता चल जाएगी। अब यहां आप देख रहे हैं कि हमने टिप से लिया है एक रे, हमें हमेशा वो जो चार रूल्स हमने पहले किए थे उन चार में से कोई भी दो रूल्स के हिसाब से रेज लेनी है। तो हमने एक लिया है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें पता है वो फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास हुई है। दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली है तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब हमारी यही रिफ्लेक्टेड रे है और यही इंसिडेंट रे है। अब रिफ्लेक्टेड रे एक हो गई CN, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है MD, तो ये दोनों रेज कहाँ मिल रही है, हमें हमेशा देखना है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज का। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे ए डैश पे मिल रही है, ए डैश जो है टिप हो गया। अब रेज एक्चुअली मिल रही है, इसका मतलब हमें कौन सा मिलेगी इमेज, हमें रियल इमेज मिलेगी जो हम उसमें नहीं देख सकते हैं मिरर में, पर हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। अब ये रियल इमेज कहाँ पे बनी है, सी और एफ के बीच में, इन्वर्टेड होती है, रियल है, इन्वर्टेड है, सी और एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है और डिमिनिश्ड है। साइज भी देखेंगे हम, कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, तो डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है। अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे मिरर के, पहले हमने इन्फिनिटी पे लिया, फिर फाइनाइट डिस्टेंस पे, अब भी फाइनाइट डिस्टेंस पे है पर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, एक उसकी पर्टिकुलर पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके टिप पे से हमने एक दो रेज ली है अकॉर्डिंग टू आवर मींस कन्वेंशन, यू कैन से हमने इसमें ली है एक रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली है जो फोकस से पास हो रही है, दूसरी रे यहाँ पे ली है इन्होंने फोकस से जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे इस केस में हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, पर हम ये वाली ये दोनों रेज ले सकते हैं। आप चाहें कभी बनाना तो आप पोल से जाती हुई रे भी ले सकते हैं ना, आप ट्राई कर सकते हैं, पर वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ए डैश पे मिलेगी। यहाँ पे ए डैश से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो हमने देखा कि इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। ये एक पर्टिकुलर पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, इस पोजीशन पे हमें रियल इन्वर्टेड सेम साइज की और सेम प्लेस पे इमेज मिलती है। ओके, तो यहाँ पे हमें सेम साइज की और सेम प्लेस पे, दैट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमें इमेज मिल रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को और पास लाए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, कहीं भी एनीवेयर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। यहां से हमने अब दो रेज ली हैं, एक रे है पैरेलल टू फोकस से पास होती हुई भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे हम दिखाया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई जो इसके ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो इसके लिए वो उसी पाथ को रिट्रेस कर रही है। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, आप देख रहे हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ए डैश पे मिल रही हैं, हम यहाँ से एक्चुअली मिल रही हैं, इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज है। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये कहाँ मिल रहा है, बी डैश पे। बी डैश कहाँ पे, अब बी डैश की पोजिशन क्या है, हम हर केस में हमें पोजिशन, टाइप, साइज और साइज ऑफ द इमेज हमें पता करना है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं इसका साइज बड़ा है, साइज थोड़ा सा बड़ा है पर रियल और इन्वर्टेड है और फाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब मींस बियॉन्ड सी बन रहा है। हम यहाँ पे कहेंगे जब बियॉन्ड सी था तो इमेज हमें सी और एफ के बीच में मिल रही थी, अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो हमें इमेज बियॉन्ड सी मिल रही है।
तो ये केस है. अब नेक्स्ट केस अगेन वाइस वर्सा वाला केस हो गया. जैसे हमने फर्स्ट में देखा था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे था तो इमेज जो थी फोकस पे मिल रही थी. अब हमने क्या किया है, अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है. हमने जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, यहां से हम रे जो है फोकस से पास होने वाली वो तो हम ले नहीं सकते हैं, तो बाकी तीनों में से हम कोई भी दो पाथ चूज करेंगे. यहाँ पे क्या पाथ लिया है हमने, यहाँ हमने लिया है कि ऑब्जेक्ट जो सॉरी रे जो है एक पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये फोकस से पास होगी और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है या इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी. अब यहाँ दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है हमें स्क्रीन पे मिलती हुई नहीं दिख रही है, पर ये दोनों एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल है. तो पैरेलल रेज कहाँ पे मिलेंगी, इफ यू रिमेम्बर हमने फर्स्ट उसमें ये एज्यूम नहीं किया था, मतलब साइंटिस्ट कहते हैं या हम मानते हैं कि अगर रेज जो है इन्फिनिटिव से आ रही है तो वो यहां तक आते आते एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी. तो इसका ऑपोजिट भी ट्रू है. ऑपोजिट क्या है कि अगर रेज एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल दिख रही है ना आपको, पैरेलल है, तो वो रेज कहां मिलेंगी, वो रेज मिलेंगी इन्फिनिटिव पे. तो हम मान के चल रहे हैं कि ये रेज इन्फिनिटिव मिलेंगे. अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे, अगर प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें इमेज मिलेगी और वो बहुत बड़ी इमेज मिलेगी. जैसे जैसे आप ये भी देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रेज कहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहा है. तो अब वो नीचे जाते जाते जब इन्फिनिटिव पे मिलेगा तो इसका मतलब वो बहुत दूर मिलेगा, इमेज जो है बहुत दूर बनेगी. तो बहुत दूर और बहुत नीचे जाके मिलेगा, इसका मतलब है हमें हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी इमेज मिलेगी. तो ये केस हो गया हमारा फर्स्ट केस का ऑपोजिट. अब नेक्स्ट वाला ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यही एक केस है जिसमें हमें रियल इमेज नहीं मिलती है. कॉनकेव मिरर में खाली 5 केसेस में हमें रियल इमेज देखी है. ये 6th केस जो है इसमें आप देखेंगे अगर हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा तो यहाँ पे हम रे ले सकते हैं. एक तो हमने ली है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मींस परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो रही है. एक ये लिए हमने जो पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है. पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो जितना एंगल ये बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाते हुए हम एक रिफ्लेक्टेड रे खींचते हैं. अब ये दोनों रेज, आप कहेंगे ये दोनों रेज भी आगे जा रही है तो आगे जाके मिल जाएंगी, नहीं, क्योंकि ये दोनों रेज आप जैसे यहां देख सकते हैं कि इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है. जैसे जैसे आगे जा रही हैं तो इसका मतलब ये जैसे ही जाएंगी आगे आगे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये कहीं मिरर के आगे कहीं नहीं मिलेंगी. तो इसका मतलब है कि ये मिरर के पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी या हमें अपीयर होंगी कि जैसे मिरर के पीछे मिल रही हैं. और पोजीशन पाने के लिए, इमेज की पोजीशन जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ये रिफ्लेक्टेड रेस को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे. हमने इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे को बढ़ाया डॉटेड लाइन से, आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे गया और दूसरे रिफ्लेक्टेड रे जो है वो डॉटेड लाइन से हमने यहाँ ए डैश पे मिल रही है. ए डैश से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो कि बी डैश है, अब यहाँ हम देख रहे हैं हमें वर्चुअल इमेज मिल रही है. वर्चुअल इमेज जो कि हम मिरर में देख सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर कॉनकेव मिरर के हम पास में अपना फेस रखते हैं या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी हमें बड़ी इमेज दिखेगी. हम देख सकते हैं उस केस में हम मिरर के अंदर अपनी इमेज देख सकते हैं पर वो बड़ी होगी, जितना हमारा फेस है उससे बड़ा फेस दिखेगा. ये जो प्रॉपर्टी है ये हम यूज करते हैं डेली यूजर्स में भी, मैं आपको भी बताऊंगी. पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये डिफरेंट पोजिशंस, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजिशंस के लिए हमें इमेज कहाँ कहाँ मिलती है. आप ये देख सकते हैं कि ये जो 6 केसेस हमने लिए थे, 6 केसेस में से 5 केसेस में हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है. उसका साइज छोटे से बड़ा होता चला जाता है और 6th केस में जो कि इम्पोर्टेंट वन है, इसमें हमें वर्चुअल और इरेक्ट मिल रही है, वो साइज बड़ा है. मिसेस अग्रवाल, हियर आई वुड लाइक टू जस्ट रिमाइंड यू दैट वी हैव अनदर 3-4 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन टू बी एंडेड. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सम अप योर प्रेजेंटेशन. ओके, आई विल सम अप. जस्ट आई विल टेल यूजेस ऑफ दिस एंड आफ्टर दैट आई विल सम अप. इन द नेक्स्ट टाइम आई विल शो अबाउट कॉन्वेक्स मिरर्स. तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इमेजेस कहाँ मिलती हैं, किस साइज की मिलती हैं, तो उस बेसिस पे ये
कॉनकेव मिरर डेली यूज में यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे मैंने आप देख सकते हैं ये डेंटिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर से हमारे मुंह के अंदर का दांतों का बड़ा इमेज देख सकते हैं। सेम वे शेविंग और मेकअप मिरर सलॉन्स पे या बाय द बार्बर्स और इन द पार्लर्स वी आर यूजिंग इट। हम किस लिए यूज करते हैं, जिससे हमें फेस का बड़ा इमेज दिख सके। और थर्ड है इसमें टॉर्चेस, सर्च लाइट्स में, इन सब चीजों में हम क्या करते हैं कि हम रेज, क्योंकि रेज जो है फोकस से जाने वाली रेज पैरेलल हो जाती है, तो हमें इससे पैरेलल भी मिल जाती है। तो ये हमारे यूजेस थे आज के कॉनकेव मिरर के, और इमेज फॉर्मेशन था कॉनकेव मिरर का। तो अब इससे संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कुछ। मिसेस अग्रवाल, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थ्रू डायग्राम्स हमारे सभी स्टूडेंट को पढ़ना है, समझना, उससे ज्यादा समझ। मैं आपसे ये चाहूंगी आखिरी दो मिनट में आप कुछ ऐसे टिप्स दे दें, या तो रे डायग्राम्स को बनाने के कुछ ऐसे आपके स्पेशल टिप्स जो हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हुए। एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब आप रे डायग्राम्स बनाएंगे तो उस टाइम आप ध्यान रखिएगा कि रे जो मिरर है जो आप बनाते हैं उसका बहुत ज्यादा कर्व मत बनाइएगा, उसका कर्व थोड़ा सा कम बनाएंगे तो आपका रे डायग्राम बहुत ठीक आएगा। और थोड़ा सा डिस्टेंसेस का ध्यान रखेंगे अगर कि फोकस जो है आप बिल्कुल बीच में लेंगे, तो जब रे आप बनाएंगे, पैरेलल रे बनाते हैं या एंगल बनाते हुए बनाते हैं कोई भी, तो एंगल एक्यूरेट होना चाहिए और पैरेलल रेज जो आप बनाएंगे वो बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। और आप चाहें तो थोड़ा बहुत अगर कभी भी बनाने में थोड़ा सा हो जाता है तो आप अंदाजे से टिप ऑफ द इमेज आप बना सकते हैं कहीं पे जहां पे आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, तो वहां पे आप अंदाजा ले सकते हैं कि यहाँ पे इसके नीचे ही मिलनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि ड्रॉ करते हुए पैरेलल लाइन स्पेशली पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए आप बिल्कुल पैरेलल नहीं हो पाते हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक तो पेंसिल शार्प होनी चाहिए और पैरेलल रेज या एंगल बनाते हुए आपको बहुत एक्यूरेट रहना पड़ेगा। और फोकस जो है वो हमेशा मिड पॉइंट पे लीजिएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट सी और पी का। कर्वेचर भी आप जब बनाते हैं तो कर्वेचर बनाते हुए ध्यान रखिएगा कि बहुत डीप कर्वेचर जो कर्व्ड जो होता है वो थोड़ा सा कम बनाए, तो आपका रे डायग्राम काफी ठीक आएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और इसके जो पोजीशंस हैं, जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी, जैसे ये टेबल दिखाई है, इसको आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इससे आप क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड कई बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं थ्योरिटिकल, जरूरी नहीं कि रे डायग्राम्स बनाना है, रे डायग्राम्स के साथ थ्योरिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो हम बाद में आपसे और डिस्कस करेंगे। पर वो जो है इसके ऊपर बेस होते हैं। तो अगर आपको याद है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, जैसे स्पेशली मैंने थर्ड केस में बताया था या लास्ट केस में बताया है, थर्ड केस में, कि अगर आपके ऊपर न्यूमेरिकल्स के साथ भी आ जाता है कि हमारे हमको मिल रही है इमेज सेम साइज की, तो ऑब्जेक्ट तो इसका मतलब फोकस क्या है, उसका फोकस कहाँ है इतने डिस्टेंस पे। तो ये सब चीजें हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें रे डायग्राम की, और इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और जो भी टिप्स आपसे आज यहाँ व्यूअर्स साझा किए गए हैं हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, उन सबको आपको ध्यान रखना है, तभी आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं। और डायग्राम्स बेसिकली जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिसेस अग्रवाल, आज के सेशन में जुड़ने के लिए और हमसे ये सब बातें इतनी वंडरफुली साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। एंड व्यूअर्स, आप कहीं ना जाएं, बने रहे पीएम विद्या के चैनल नंबर 10 के साथ। नेक्स्ट सेशन में हिंदी का एक चैप्टर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कहीं ना जाएं, बने रहे, हम लौट कर आ रहे हैं चंद मिनटों में। थैंक यू।